वीडियोस ऑन मेनी टॉपिक्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा तो आप जरूर विजिट करिएगा आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी एग्जाम बेस्ड यूजफुल टॉपिक्स ऑल्सो फ्रेंड्स डेली मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का एक लेक्चर अपलोड करती हूँ अभी हम गैस्ट्रो जी जो चैप्टर है जो यूनिट है उसके चैप्टर्स कवर कर रहे हैं सो इफ यू डू नॉट वांट टू मिस द अपकमिंग अपडेट्स प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी एंड हिट द बेल आइकन नाउ मैन ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम पढ़ने से पहले हमें तीन बातें जानना जरूरी है कि जो डिओडेनम है उसका ऑब्जॉर्प्शन वहाँ पर आयन का ऑब्जॉर्प्शन होता है जो जेजनम है वहाँ पर फोलिक एसिड का ऑब्जॉर्बन होता है और जो इलियम है वो विटामिन बी ट्वेल्व को ऑब्जॉर्ब करती है ठीक है नाउ माल ऑब्जॉर्ब्शन सिंड्रोम में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि माल ऑब्जॉर्ब्शन सिंड्रोम आर अन एनकाउंटर नॉट अनकॉमनली इन स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो इंटरोलॉजी प्रैक्टिस इन इंडिया ठीक है तो ये नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता है पर इस टर्म से ही हम समझ रहे हैं प्रॉपरली होता है और उसकी वजह से a certain of diseases हो जाती है, तो हम उसे माल ऑब्जॉर्ब सिंड्रोम कहते हैं ठीक है नाउ टेबल थ्री लिस्ट सेवरल माल ऑब्जॉर्बेशन सिंड्रोम जो इंडिया में कॉमन है तो ये है वो सिंड्रोम और भी लंबी लिस्ट है सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉपिकल स्प्रू सीलिय पैरासाइट्स की वजह से ये हो सकता है ठीक है बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से हो सकता है पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी इोसिनोफिल गैस्ट्रो और इम्यून प्रोलिफरेटिव स्मॉल इंटेस्टाइनल डिजीज एंड लिम्फोमा इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेसिया, वीपल्स डिजीज तो ये सारे जितने भी चीज़ें हैं ठीक है इसको हम समझते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स लिखे हुए हैं ठीक है तो हम उन सारी डिजीजेस को यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स के फॉर्म में समझ लेंगे ठीक है तो पेशेंट जो होते हैं मैल अब्जॉर्बशन सिंड्रोम के देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स पहले मैं आपको अच्छे से मार्क करके पढ़ाती थी आई यूस्ट टू हैव हाईलाइटर्स एंड मार्कर्स बिकॉज आई वॉट एट होम ठीक है यहाँ पर मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है सो आई एम अपलोडिंग लेक्चर्स लाइक दिस लेकिन मैं आपको सेक्शन बता दूंगी कि कौन से सेक्शन में कहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आप इजिली उसको अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर पाओ ठीक है ये एपीआई की टेक्स्ट बुक है जो मैं रेफर कर रही हूँ सो क्लिनिकल फीचर्स में यहाँ पर सेकेंड लाइन में लिखा है दैट पर्टिकुलरली क्रोनिक डायरिया एंड वेट लॉस हमें यहाँ पर पेशेंट में देखने को मिलता है क्योंकि पर्सन जो है इसमें ऑब्जॉर्बशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है तो एक्सेसिव जो वाटर लॉस है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो कि डायरिया के फॉर्म में प्रेजेंट करेगा और अच्छे से अब्जॉर्ब्शन नहीं हो रहा है तो वो फूड जो है वो असीमुलेट नहीं होगा और पर्सन की बॉडी में वेट लॉस भी मिलेगा नाउ जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे वो क्या है देखिए यहाँ पर जो सिम्टम वाला सेक्शन है टेबल फोर में लाइन से जो सबसे लेफ्ट कॉर्नर में है उसमें पर्सन में डायरिया मिलेगी ठीक है डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है पर्सन में स्टीटोरिया मिलेगी ठीक है स्टीटोरिया में जो पर्सन है उसमें फैट का माइल ऑब्जॉर्बन मिलता है ठीक है बॉर्बोगा फ्लैचुलेंस ब्लोटिंग दिस कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड और ये ज़्यादातर जब देखिए अलग अलग टाइप के मैल ऑब्जॉर्ब्शन की वजह से ये सिम्टम आ रहे हैं ठीक है इसीलिए इसको मैल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहा गया है कि अगर वाटर का मैल ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है तो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो डायरिया के फॉर्म में बाहर आएगा अगर फैट का मैल ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फैट जो है वो भी स्टूल से बाहर आने लगेगा और दैट इज कॉल्ड स्टीटोरिया ठीक है कार्बोहाइड्रेट का अगर मैलऑब्जॉर्ब्शन होता है तो फ्लैचुलेंस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आती है अगर प्रोटीन का मैल ऑब्जॉर्ब होता है तो हम सबको पता है दैट प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर बॉडी एंड दैट इज वाई वेट लॉस विल बी ऑब्जर्वड हियर ठीक है वाइटामस की अगर डेफिशियंसी होती है मिनरल्स की होती है तो पर्सन बहुत ज्यादा वीक और टायर्ड फील करेगा ठीक है आप इस चीज़ को रिलेट करो लास्ट वाले टेबल के सेगमेंट और फर्स्ट वाले से ठीक है तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वाइटामिन जैसे वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होने को दिखेगी पर्सन में ठीक है वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी से हम सबको पता है कैल्शियम एलब्स एंड बोन डिजीजेस हमें देखने को मिलेंगी वाइटामिन बी की डेफिशियंसी से बर्निंग इन माउथ एंड ंग और नंबनेस फीट और हैंड में भी ऑब्जर्व होती है नाउ मैंने आपको बताया ना दैट इलियम जो है वो वाइट जो वाइटामिन बी ट्वेल्व है उसको ऑब्जॉर्ब करता है तो अगर वाइटामिन बी ट्वेल्व ऑब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसकी वजह से फिर अनिमिया हो जाएगा पर्सन में एंड दैट अनिमिया इज नोन एज आयरन डिफिशियंसी अनिमिया ठीक है कई बार क्या हो सकता है जो पिट्यूट्री है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसकी वजह से एमिनोरिया देखने को मिल सकती है जिंक डेफिशिएंसी की वजह से स्किन लीजन्स देखने को मिल सकते हैं स्किन लीजन्स ठीक है तो इन सब चीजों से आप क्या समझे आपने ये समझा दैट जो अब्जॉर्बशन है वो हमारी बॉडी में प्रॉपरली जो फूड सब्सटेंसेस दैट वी आर इन टेकिंग उसका होना चाहिए अदरवाइज जो जो सब्सटेंस की कमी हो जाएगी उसकी वजह से कुछ क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे ठीक है नाउ ये जो पैराग्राफ है इसमें ट्रॉपिकल स्प्रू के बारे में बताया गया है ट्रॉपिकल स्प्रू क्या है एक तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है ठीक है एंड यहां पर क्या होता है जो गट मोटिलिटी है वो कम हो जाती है ठीक है तो यहाँ लिखा है टॉपिकल स्प्रू को हम इडियोपैथिक टॉपिकल मैल कहते हैं जिसमें क्रोनिक डायरिया मिलती है स्टीटोरिया मिलती है अब आपको समझ में आ जा रहा है कि वाटर का फैट का ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है अब डोमिनल डिस्टेंशन मतलब कार्बोहाइड्रेट भी नहीं आब्जॉर्ब हो रहा है बोर्बोइमी ग्लोसाइटिस एंड मल्टीपल न्यूट्रिय डेफिशियंसी यहाँ पर देखने को मिलती है ठीक है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट इज सीलिया डिजीज इसको क्या कहते हैं ये सीलिया प्रू के नाम से भी जानी जाती है और इसमें क्या होता है ये ज़्यादातर ना छोटे बच्चों में देखने को मिलती है और छोटे बच्चे वो छोटा बच्चा जो होता है वो ग्लूटेन की उसको एलर्जी होती है ठीक है ग्लूटेन की एलर्जी होती है या फिर ग्ली ग्ली ग्लियाडिन सॉरी ग्लियाडिन विच इज़ प्रेजेंट इन बीट और उसके वजह से जो बच्चा होता है ना वो वीट नहीं खा पाता वीट का इंटेक वो नहीं कर पाता और उसके अलावा अदर सीरियल्स लाइक बार्ले राइस ओट्स एंड वीट ये जो चार चीज़ें हैं वो वो बच्चा नहीं खा पाता और उस वजह से उसको फिर परसिस्टेंट डायरिया उस बच्चे में मिलेगा ठीक है बच्चा जो रहता है उसमें पैलर मिल सकता है उसकी माइलस्टोन्स स्टोन्स देखिए छोटे बच्चों में अगर वो कुछ भी नहीं खा पा रहा है तो उसके बाद उसको एनीमिया हो सकता है छोटा रह जाएगा शॉर्ट स्टेचर ला, लास्ट लाइन में देखिए लिखा है बोन डिजीजेज मिल सकती है ठीक है सो दीज आर द सिम्टम्स दैट आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड तो अब आपने एक बेसिक समझ लिया कि मैल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या हो रहा है टॉपिकल स्प्रू क्या है सीलैक्स स्प्रू क्या है ठीक है एक और बहुत रेयर चीज़ है विच इज़ नोन एज विपल्स डिजीज ठीक है विपल्स डिजीज़ एक एग्जाम्पल है जो बैक्टीरिया की वजह से मैल ऑब्जॉर्प्शन होता है इसमें भी सिम्टम्स जो है वो टॉपिकल स्प्रू जैसे ही आते हैं दैट मीन्स जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल वही डायरिया वेट लॉस टिटोरिया बॉर्बॉइगिमी ये सब मिलते हैं बट इसमें कई सिम्टम्स सी एन एस और सी वी एस से रिलेटेड भी मिल जाते हैं जैसे डिमेंशिया मिल जाएगा ठीक है शीजर्स आने लगेंगे पेशेंट को सी के सिम्टम्स में वॉल्व की डिजीजेस मिल सकती है तो दीज विल बी ऑब्जर्व्ड हियर डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो जो चीज़ बैक्टीरिया की वजह से हो रही है हम उसको ब्लड टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं ठीक है थीके? उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसल बायोप्सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर और बहुत सारे चीज में ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ये यूज किया जाता है ठीक है हम सिरम आयरन सिरम फेरेटिन वाइटामिन बी ट्वेल्व कैल्शियम ये सब का भी टेस्ट करा सकते हैं जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा दैट किस चीज की डेफिशिएंसी है और हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे देखिए ज्यादातर अगर फैट का लॉस हो रहा है तो उसमें फैट सॉलेबल भी जा रहे होंगे तो हम फैट सॉलेबल विटामिन जैसे ए डी ई के जो होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं अगर पर्सन में लॉन्ग टर्म्स स्टीटोरिया है तो हम उसको ओरली दे सकते हैं ताकि पर्सन की बॉडी में वो कम ना हो जाए ठीक है सो फ्रेंड्स दिस इज इट अबाउट मेल ऑब्जॉपशन सिंड्रोम आई होप आई एव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड अगर आपकी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है तो आप मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की डेफिनेशन लिखोगे ठीक है आफ्टर दैट यू विल राइट क्या उसके टाइप्स होते हैं मतलब किस फॉर्म में प्रेजेंटेशन हो सकती है सिंड्रोम की जैसे ट्रॉपिकल्स प्रू सीलियाप्रू विपल्स डिजीज ये आप डिस्क्राइब करोगे बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ की वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है कि बी ट्वेल्व प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो पाता और उसकी वजह से फिर अनिमिया लाइक -like सिम्टम भी हमें देखने को मिलते हैं ठीक है सो so, आप ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करोगे देन यू विल बी डिस्क्राइबिंग द क्लिनिकल फीचर्स जो मैंने यहाँ पर आपको टेब्युलेटेड फॉर्म में समझाया हुआ है कि कौन सी चीज़ की कमी की वजह से कैसे सिम्टम्स आते हैं एंड एट द लास्ट यू विल बी डिस्क्राइबिंग द डायग्नोसिस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड फाइनली द मैनेजमेंट सो फ्रेंड्स दिस इज एट अबाउट टूडे सेशन आई होप आपको मैलअब्सॉप्शन सिंड्रोम समझ में आया है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया बिकॉज दिस टॉपिक वॉज अ बिट इलेबरेटेड आई होप मीडियो ऑल अंडरस्टैंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट से सेक्शन में पूछ सकते हो इस वीडियो को लाइक करना प्रिफ्रेंस और बैचमेट के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड सी यू टूमारो इन दैक्सट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी थैंक यू